कद्दू के बीज भी आपको उतने ही लेने हैं जितना आपने पिस्ता और अंजीर लिया है, यानी कि 50 ग्राम ही लेने हैं। साथ ही साथ आपको इसमें किशमिश डालनी है, और अंत में आपको क्या करना है, इसमें गुलकंद मिलाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि भव रोग, यानी कि ये जो संसार है ये तो रोग के समान है। फिर प्रश्न किया गया कि अगर ये संसार रोग के समान है तो इसकी कोई औषधि भी होगी, हर एक रोग के लिए कोई ना कोई एक ऐसी औषधि भी होती है। तो फिर कहा गया कि विचार औषधि, के औषधि तो केवल यही है कि संसार में ठीक प्रकार से जीने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए आप विचार करें, समीक्षा करें, बोध रखें सही गलत की, आपको परख हो। इस विवेक के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब ही वो इस संसार में रहते हुए सुखी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। अब तक हमने जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ देखा, और जो ब्रह्मचर्य नाम की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको पूर्णता की तरफ हम लेकर के जा रहे हैं, जिससे कि यदि एक व्यक्ति उस प्लेलिस्ट के अंदर आता है और उस मार्गदर्शन को प्राप्त करता है तो उसे हर स्तर पर मार्गदर्शन हो। वो जो कुछ अब से पहले कर चुका अब हम उसके विषय में बहुत अधिक चिंता या फिर विचार नहीं करेंगे। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, अब यदि आपके अंदर कुछ जागृति आ रही है, आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हो, और केवल एक छोटे से परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हम करते हैं, केवल शरीर के तल पर हम बात नहीं करते हैं, हम शरीर को तो प्राथमिक रखते हैं, सबसे पहले तो शरीर ही ठीक करना पड़ेगा, लेकिन फिर हम बोध को विकसित करके एक सक्षम सबल युवा बनेंगे जो कि सफलता के मार्ग पर भी अग्रसर हो, जो कि अपने समाज के लिए भी कुछ विशेष कर सके। बहुत सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन फिर से बिंदु पर आते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें, और जो अब तक हुआ है उससे आगे बढ़ करके शारीरिक बल का वर्धन कैसे करें। तो अगर मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूं तो इस प्रकार से समझें कि ब्रह्मचर्य, आपका आहार कैसा है, आपका शरीर को कितना आप आराम दे रहे हैं, नींद कैसी आप ले रहे हैं, वो व्यायाम कैसा आप कर रहे हैं, और विचार कैसे चल रहे हैं, सभी तलों पर आपको ध्यान देना होगा। जो भी व्यक्ति अपने शरीर में बल का वर्धन करना चाहता है, बहुत दुबले पतले हो गए हैं अब शरीर को थोड़ा सा विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक वजन भी उचित नहीं होता, अगर आप उतना समय व्यायाम को दे सकते हैं जिससे कि आप बहुत अधिक अच्छे तरीके से ज़्यादा वजन को भी आप मेंटेन कर सकें, उसको आप एक सही शेप में रख सकें, तो एक बात अलग है। अन्यथा एक ठीक शरीर जो कि ना दुबला पतला है बहुत अधिक और ना बहुत अधिक भारी है कि बेडोल लगे, जितना आप सही से संभाल सकें और जितना आपकी स्फूर्ति पे आपकी एक्टिव आप रहें उतना वजन आपके लिए ठीक होता है। अब कुछ चीजें आप यहाँ पर समझें कि ये ना समझें कि आहार बहुत अधिक ग्रहण कर लेना है तभी आपको फायदा होगा, तभी आपका बलवर्धन होगा शरीर में या फिर वजन बढ़ेगा आपका, ऐसा नहीं है। वजन को अगर आपको ठीक से बढ़ाना है तो उसका पाचन कैसा हो रहा है वो देखो, क्योंकि आपने भोजन ग्रहण किया और वो शरीर में एकदम से लग गया, ऐसा नहीं होता है, उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है वो भी डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि बहुत अच्छा भोजन भी करते हैं और अच्छी मात्रा में भी करते हैं, लेकिन वो भस्म हो जाता है शरीर में जाकर के, ऐसे रोग भी हो जाते हैं। भस्मक रोग के नाम से ही एक रोग होता है जिसमें कि व्यक्ति खाता है और जितना वो खाता है उतना वजन कम होता जाता है। मैंने कितने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिनको ये बोध नहीं है कि मेरे शरीर के लिए कितनी आहार की मात्रा ठीक है। कोई भी चीज एक्सेस में दोगे शरीर को तो वो भी ठीक नहीं है, पाचन ठीक नहीं रहेगा, दबाव बना रहेगा शरीर के ऊपर और आपके दिमाग पे भी उसका दबाव बना रहेगा। तो अत्यधिक भोजन नहीं, लेकिन ठीक और वो भोजन जो कि सात्विक भी है और जिससे आपको सही से प्रोटीन भी मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं, आपके शरीर को आवश्यक न्यूट्रिशन जो भी चाहिए वो उससे प्राप्त हो रहे हैं और वो सात्विक भी है, क्योंकि हम आध्यात्म की अपनी अवधारणा और ब्रह्मचर्य की अवधारणा से नहीं हट सकते, और ब्रह्मचर्य ब्रह्म जैसी चर्या है। अब उसमें कैसा भोजन होना चाहिए वो खुद देखें, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो कि हम ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाचन की तरफ ध्यान दें। कुछ लोगों को मंदाग्नि हो जाती है, जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त नहीं होती ठीक से, कुछ लोगों को आंव इत्यादि आती है वो तब भी भोजन शरीर में नहीं लगता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, अम्ल बहुत ज़्यादा शरीर में बनता है, वात पित्त कफ प्रकुपित होकर के वो भी हमें परेशान करते हैं। लेकिन अगर
आपका पाचन बिल्कुल दुरुस्त है, सही से आप जो भी भोजन करते हैं वो भी आपके शरीर का हिस्सा बनता है, तो आप क्या खा सकते हैं जिससे कि आपको फायदा हो? ब्रह्मचर्य खंडित करने से, बहुत सारे दूसरे कारणों से, या फिर व्याधि से, किसी दूसरे शरीर में कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से अब कम वजन ज़्यादा ही हो गया है और वो आपको उचित भी नहीं लगता और शारीरिक बल का भी आप अनुभव नहीं करते, तो सबसे पहले क्या करना है, आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, आप केला और कुछ दूसरे जो ऐसे जैसे अंगूर है, केला है, चीकू है, आम है, इस तरह के जो ये फल हैं जो कि वजन बढ़ाने में सहायक हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। केले को अगर आप दही के साथ खाते हैं तो वो गुणकारी अधिक होता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य वजन बढ़ाना है तो केले को आप दूध के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं, दूध के साथ केले को ग्रहण करने से भी लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो भी बंधु इस दिशा में इच्छा रखते हैं वो खजूर का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर भी आपके लिए विशेष उपयोगी है। प्रयोग कैसे करना है, आपको 4, 5, 6 खजूर ले लेने हैं और वो दूध में डाल देने हैं, दूध पकाते हुए उनको दूध में रखें और पकने के बाद दूध के साथ उनको चबा करके खाते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि सात्विक भी रखें आहार को, मांस और अंडा इत्यादि खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस भोजन में ही दालों में, मेवे जो भी हैं या फिर जो सीड्स हैं, बीज हैं, जैसे आप लाजवंती के बीज खा सकते हैं, कद्दू के बीज खा सकते हैं, सूरजमुखी के बीज, इस तरह से जो सीड्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी मात्रा में आपके शरीर के बलवर्धन के लिए उपयोगी चीज़ें मिल जाती हैं। आप साथ ही साथ अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके मानसिक संतुलन और आपके नर्वस सिस्टम को भी अच्छे से रखता है बनाए, और साथ ही साथ सतावर का प्रयोग, आपको पता ही है कि सतावर भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, तो सतावर का प्रयोग भी आप करें, वो भी अच्छा है। अब मैं आपको एक ऐसा योग बताता हूँ जिसको ग्रहण करके निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन ये बात कभी न भूलें कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना ज़रूरी है, क्योंकि सप्त धातु उसी के लिए तो सब कुछ खा रहे हैं जिससे कि हमारे अंतिम धातु तक जो बनना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र तक जा करके हमारी यात्रा पूरी होती है, और शुक्र भी ओजस में परिवर्तित होकर के जब हमारे पूरे शरीर में संचारित होता है तो विशेष आप अनुभव करते हैं उसका, क्योंकि ये कोई ऐसा तरल पदार्थ नहीं है जिसको आप वीर्य के रूप में देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, ये एक ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में कार्य करता है। ये जब विचार आप ऐसे करते हैं तो उन विचारों से फिर आपके शरीर में वो ऊर्जा जो है वो एक स्थान पर संग्रहित होकर के नष्ट होती है और वो वीर्य के माध्यम से स्खलित होती है। तो थोड़ा समझें इस बात को कि अगर आपको बल का वर्धन करना है, केवल दिखाने वाला शरीर नहीं बनाना है, ऐसा शरीर जिसमें कि क्षमता भी हो, जिसमें कि योगाभ्यास करें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें तो स्ट्रेंथ बनी रहे, आपको सांस न चढ़े, केवल दिखने वाला नहीं, आप अपने अंदर से भी अनुभव करें कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, सक्षम हूँ, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान तो करना ही है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मैं एक आपको मात्रा बता देता हूँ इसमें और जो चीज़ें आपको लेनी है वो बता देता हूँ। इसको आप मात्रा बढ़ाया घटा भी सकते हो, लेकिन अनुपात का ध्यान रख सकते हो कि इतना एक भाग इसका था, अब उससे आधा ये, उससे भी कम ये, इस तरह से आप देख सकते हो। तो किस तरह से आपको ये योग तैयार करना है, आपको सबसे पहले लेने हैं बादाम। जैसे 100 ग्राम की मात्रा में अगर आप बादाम ले लेते हैं तो 100 ग्राम बादाम लेने के बाद आपको 100 ग्राम काजू ले लेने हैं, यानी कि संभाग, काजू भी उतना ही, बादाम भी उतना ही। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पिस्ता लेना है आपको, पिस्ता आपको काजू से बादाम से आधा यानी कि 50 ग्राम ले लेना है। उससे आगे बढ़ते हुए आपको अंजीर लेना है, अंजीर भी आपको 50 ही ग्राम लेना, जितना पिस्ता लिया उतना ही आपने अंजीर ले लिया। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको कद्दू के बीज इसमें लेने हैं, कद्दू के बीज का जैसे कवच उतार करके कद्दू के बीज आप लेने हैं, कद्दू के बीज भी आपको उतने ही लेने हैं जितना आपने पिस्ता और अंजीर लिया है, यानी कि 50 ग्राम ही लेने हैं। साथ ही साथ आपको इसमें किशमिश डालनी है, और किशमिश कैसे, वो आप इन सब चीज़ों को डाल करके मिक्सी में जो भी आपके पास हो व्यवस्था उसमें ग्राइंड कर लेंगे तो ये इसका पेस्ट बन जाएगा, एक पाउडर टाइप बन जाएगा। तो किशमिश भी आपको इसमें डालनी है, वो भी आपको 50 ही ग्राम डालनी है। उससे आगे आपको इसमें केवल 10 इलायची डालनी है, 10 इलायची से ज़्यादा नहीं, 10 इलायची आपको इस मात्रा के साथ अगर बना रहे हैं तो उसमें डाल लेनी है। इलायची का कवर उतार करके उसके अंदर के बीज हैं उनको कूट के थोड़ा सा और इसमें मिला लेना है।
और अंत में आपको क्या करना है, इसमें गुलकंद मिलाना है। यानी कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें ले ली, तो इन चीज़ों को लेने के बाद अंत में गुलकंद मिलाना है, जिससे इतना ही मिलाना है जिससे कि ये इस प्रवृत्ति में आ जाएं कि ये लड्डू जैसे बन सकें। क्योंकि पाउडर जैसा होगा तो उसका तो नहीं बनाया जा सकता, तो गुलकंद उसमें मिला दिया। गुलकंद क्या होता है, गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ एक मुरब्बा जैसा होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, तो उसको मिलाना है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें घी डालना है, लगभग 2 चम्मच की मात्रा में इसमें आपको घी डाल लेना है। अब इसमें हमने जो ये योग बनाया है इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें आप जो बादाम डाल रहे हैं, काजू डाल रहे हैं, बल का वर्धन करेंगे, पिस्ता इत्यादि बल का वर्धन करेगा, अंजीर भी बहुत अच्छे आपके शारीरिक बल को बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में कार्य करेगा। साथ ही साथ इसमें जो हमने इलायची डाली है वो पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, पाचन को अच्छा दुरुस्त बनाए रखेगी। जो हमने इसमें किशमिश डाली है, किशमिश से क्या होगा कि अगर किसी को कब्ज इत्यादि की समस्या है तो पेट के लिए वो एक अच्छा काम करेगी। अब इसमें हमने जो गुलकंद डाल दिया है, गुलकंद क्या है, ठंडा होता है स्वभाव में, प्रकृति में, तो गुलकंद डालने से इसका स्वभाव थोड़ा अच्छा एक सम हो जाता है। तो गुलकंद का प्रयोग हम इसमें इस तरह से, इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये जो एक इस तरीके का आपका योग बन करके आता है, तो ये आपको इतना जैसे गर्म तासीर का भी इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छी मात्रा में आपने गुलकंद भी उसमें डाल दिया, और बलवर्धन भी करेगा और पाचन को भी दुरुस्त रखेगा। इस तरह से आपको बना करके इसके लड्डू बना लेने हैं, और लड्डू, एक एक लड्डू सुबह शाम आप इसका ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि हो गई। और अगर आप चाहें तो इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1 के स्थान पर 2 भी कर सकते हैं, 2 सुबह और 2 शाम, यानी कि 4-4 की मात्रा में प्रतिदिन आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक योग बन करके तैयार होता है। ये स्वादिष्ट भी है और बल का वर्धन करने वाला भी है, स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको इस योग को बनाने में कोई समस्या अनुभव होती है तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। और ब्रह्मचर्य से संबंधित अन्य वीडियोस को भी अवश्य देखें, जिससे कि आप इस अवधारणा को ठीक से समझ सकें कि किस प्रकार की परिपाठी शास्त्रों में बताई गई है, जो सिद्धांत बताए गए हैं, और क्यों ब्रह्मचर्य का महत्व है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित ना कर सके और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से ऊपर उठ करके आप वैदिक सिद्धांतों पर दृढ़ हो सकें, सक्षम हो सकें, आपकी बुद्धि में वो बैठ सकें। तो आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। पुनः किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।